हाय। शादी की शाम है ये। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए इन सबको। बहुत ज़्यादा खुशी है। हम दोनों देखो ट्रेनिंग कर रहे हैं येलो पहन के, तो मैं पहले आउटफिट से ही शुरू करती हूँ कि हमने येलो क्यों पहना हुआ है, हम वैनिला और मैंगो क्यों बने हुए हैं। तो कुछ एक्ट है हमारा जो कि सरप्राइज है, उसके लिए हमने एक जैसे कपड़े पहने। सीधे जी के बगीचे से आ रही हूँ मैं और एक्साइटेड आई फील, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से नर्वस भी। बाकी आप? मी ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड। क्या बात, क्या है कि इट्स एन अवार्ड फंक्शन, हम लोग नॉर्मली प्लेट डाउन करते हैं कि नहीं नहीं हम लोग बहुत कूल है, हम लोग को ज़्यादा फील नहीं हो रही, मगर बहुत मेहनत की है एंड होपफुली आर शो पर्सनल लेवल पे मैं इतना नहीं जीतना चाहता जितना आई वॉन्ट माई शो टू विन, बिकॉज आर डायरेक्टर, आर टीम, आर राइटर्स, दिस लवली एक्ट्रेस नेक्स्ट टू मी, द इंटायर कास्ट एंड क्रू, बहुत मेहनत की इन सब ने एंड दुआ करता हूँ कि हम लोग जीते कुछ ना कुछ। सो बटरफ्लाइज हैं? नहीं नहीं, मेरा हर साल ना रिश्ता नया होता है। तो एक्साइट से ज़्यादा आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ मिक्स फीलिंग कि एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। वी गोइंग टू डू स्पेशल एक्ट आप सब के लिए, तो दैट टू लाइव हम लोग परफॉर्म करने वाले आपके लिए एंड हाँ, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट, यू ऑल अप्रिशिएटिंग द वर्क, इट्स रियली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। I'm ignoring him. Sorry, आपका सवाल अच्छा लग रहा है मुझे। खुशियाँ, शादी का मैं डिफाइन करूँ तो खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं, शादी के अंदर भी कुछ शादी की प्लानिंग हो जाती है, मैंने तो यही देखा है, उसका लड़का अच्छा, उसकी बेटी अच्छी है, तो और रिश्ते जुड़ते जाते हैं। मेरे लिए शादी एक बहुत ही ज़िंदगी का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, बिकॉज आप एक नया रिश्ता जोड़ने वाले हो जो दुआ करते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे, स्टार्ट टू फिनिश, और सिर्फ वो नहीं जो जिस पार्टनर अभी जो भी आपका पार्टनर होगा वो आपके साथ आपके बुरे टाइम, अच्छे टाइम्स, हर एक टाइम में रहेगा आपके साथ। तो मेरे लिए शादी ऑनेस्टली बहुत ही नर्वस सिचुएशन है एंड बिकॉज यही है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं, and hopefully almost everyone takes the right decision, but yeah, it's a very nervous, very exciting time ki aapka zindagi ka ek naya chapter khulne wala hai. Also combination wise, so what do you think, kitne awards diamond karne wale hai? Last time maine is bahut modest play kiya tha, kuch nahi mila tha mujhe, ye baar main thoda beech mein play karunga. Yeah, I'll be honest yaar, see I'll be very very honest with you all, जीतना तो जरूर है, बहुत मेहनत की है, मगर अपने आप को एक तसल्ली दे दे कि एक्सपेक्टेशंस कम रखो, ज्यादा हर्ट नहीं होगा। जब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस ही होंगे और नाम पुकारा जाएगा तो ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल, लेकिन बटरफ्लाइज तो है दोनों के। बहुत ज्यादा, एंड आई वांट हर टू विन एंड आई वांट द शो टू विन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि दिस गर्ल्स जितनी जगह नॉमिनेटेड हम सब लेकर आ रहे हैं, सो अमेजिंग। दुआ कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं इंशाल्लाह जी। यार वेरी ट्रू, हमारी ऑडियंस ही हमारा अवार्ड है। आजा तू, आजा मेरे साथ, तू खड़े रह। क्या करना है अब, तो पैसे लेते हैं हम इसके। They want to turn. ऐसे आप करके दिखाओ। We charge for performing, हाँ? एक step का मैं बहुत charge करूँ। Done डाले? Thank you guys. वो step कर दो, उसके लिए role लेगा। What am I supposed to do? Supposed to do this. Turn you around. बस, you saw that? Wow, great one. One more. इतने सारे मतलब यस, ओनली इफ यू गॉट टू स्पीक स्लाइटली लाउडर सो दैट आई कैन हियर यू। यस, बोलिए बोलिए बोलिए, चले जाएंगे तो फिर आवाज आ जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Oh come on, yeah! It's got to be excited. This is Z Rishtey Awards. I've been a part of Z since almost 14 years now, from Z Cine Stars ki khoj 2004 se. So zahir se baat hai ki Z Rishtey Awards hamesha se special raha, aur is baari mujhe pata laga ki shaadi ka kuch mahol hai, shaadi ka andaaz hai. To I'm sure bahut zyada maza aane wala hai.
शादी सोच के सिर्फ अपनी शादी याद आती है, बीवी अंदर है मेरे ख्याल से। मेरी शादी के दिन डांस परफॉर्मेंस वो मुझे याद है। वो याद रहेगा क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बिकॉज वी डिडंट हैव टाइम, बट एक्चुअली नॉट ऑन द डे ऑफ वेडिंग, बट इट वाज वन डे प्रायर टू दैट, बट इट वाज रियली रियली फन। यस विशाखा, अ लॉट ऑफ थिंग्स डू चेंज पोस्ट मैरिज। I think the only thing is you got to make a lot of adjustments, because I'm a super morning person and I'm super morning person and she's super night person, so it becomes very difficult to collaborate that way. Thank you so much. The credit goes to the stylist and the designers, nobody else. Yeah. Define myself. Simple, honest, genuine. बस तीन शब्दों में सारी कहानी आ गई। थैंक यू सो मच गाइस। व्हाट देयर इज अनदर मार्क। यार वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई एम परफॉर्मिंग एंड क्योंकि डेफिनेटली बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, लाइव शादी हो रही है यहाँ पे, तो एक्साइटेड है, सब बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज सिर्फ अवार्ड फंक्शन नहीं है हमारे लिए, यू नो थोड़ा पर्सनल फील हो रहा है बिकॉज शादी वादी हो रही है एंड इन माई परफॉर्मेंस आई एम बिकमिंग अ ब्राइड, तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जी टीवी के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है और इतने सालों से चलता आ रहा है और आई एम श्योर बहुत सालों तक बना रहेगा। शादी के मायने, यार गलत इंसान से पूछ लिया, बिकॉज आई फील कि यार प्यार होना ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है, बट आई थिंक परिवार के लिए और हमारी जो लोग हैं, हमारी जो परंपराएं हैं उनके लिए, बट हाँ डेफिनेटली शादी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर हर लड़की हर लड़के के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो वेट करते हैं, तो हाँ मतलब है, ज़रूरी तो है। यार मैं ना खाने की तरफ से हूँ, जिधर खाना मिलेगा मैं उधर जाऊँगी, लड़की हो चाहे लड़का, बट आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस में मैं ब्राइड बनी हूँ और क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो आई थिंक मैं दुल्हन की तरफ से। किसकी शादी, आई थिंक लास्ट जो बहुत धूमधाम से शादी मनाई थी वो सुयश किशोर की शादी थी, तो बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने उसमें, तो अभी हम वेट करेंगे और कौन शादी करेगा, तो हाँ लास्ट सुयश किशोर की शादी में बहुत मज़े किए थे जी। हाँ यार तुम थके नहीं है बात पूछ पूछ के।
यार अभी कुछ प्लान नहीं है, मतलब यही बोलती हूँ मैं हर बार जब भी पूछती हूँ. अरे सीधा सीधा मंथ में पहुंच गई, ये भी नहीं कि कौन से साल कर रहे हो. अभी कुछ नहीं सोचा, जब ऐसा कुछ होगा तो पता चल जाएगा. यार मैंने बोला ना मैं बहुत खुश हूँ, मतलब ओ अच्छा सब पता चल जाता है यार. मतलब सब कुछ, सब तो वेट करते हैं कि मैं और ऋतिक कब साथ में आएँ, कब दोनों होस्ट करें. लेकिन जब हम दोनों साथ में काम करते हैं तो बहुत झगड़े करते हैं, तो एक दूसरे को बहुत डांटते हैं. बिकॉज वही है ना कि इतना लाइक फॉर ग्रांटेड लेने लग गए एक दूसरे को, तो डांटते रहते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं. मेरी चिड़चिड़ मैं उस पर उतार देती हूँ, वो अपनी मुझ पर उतार देता है. तो हाँ मज़ा तो बहुत आता है. लेकिन आई थिंक बहुत सही हो रहा है जो हो रहा है. एंड आई वुड ओनली लाइक टू से वन थिंग कि अब एटलीस्ट लोग थोड़े हेजिटेंट रहेंगे, जो यू नो बहुत खुल्लम खुल्ला या बिना डरे कुछ करते थे, अब एटलीस्ट थोड़े से हेजिटेंट रहेंगे. तो ये चीज़ में बहुत फ़ायदा है. आपने क्वेश्चन तो पूछा, आपका ध्यान कहीं और था. क्या बोला मैंने? क्या बोला? अच्छा आई एम श्योर होंगे यार, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो अभी तक नहीं रहा है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती. बट आई एम श्योर होंगे, बहुत होंगे. थैंक यू. हाय गाइस. They should ask questions.